हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सबका मैं स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो यस स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं। जैसे कि आप सबके घर में राशन कार्ड होता होगा, पर कितने तरीके के राशन कार्ड्स होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है, किसको कौन सा राशन कार्ड मिलता है, तो वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको तीन टाइप के राशन कार्ड दिख रहे हैं। ओके, तो बेसिकली राशन कार्ड एक्चुअली होता क्या है, पहले वो हम समझेंगे। राशन कार्ड इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प फॉर दिस कार्ड द हेल्प ऑफ दिस कार्ड क्वालिफाइंग हाउस होल्ड कैन बाय फूड ग्रेन्स एट सब्सिडी रेट्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट इज NFSA 2013। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, जो भी राशन वगैरह हैं या गेहूँ चावल किसी भी तरीके का जो भी राशन है, वो गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड करती है। व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको कम दाम में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ मार्केट में 100 पर केजी मिल रही है, तो राशन कार्ड पे आपको 20-30 आइदर उससे भी कम में मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड है सब्सिडी रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम तीन तरह के राशन कार्ड्स होते हैं यहाँ पर। सी वाई द एफ्लुएंट फैमिलीज डू नॉट परचेज फूड ग्रेन अंडर द PDS एंड देयरफॉर विद द व्यू टू कर्व डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन एंड टू प्रोवाइड मोर फूड ग्रेन्स टू नीडी फैमिली द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस थ्री कलर्स ऑफ राशन कार्ड स्कीम 1 May 1999। और उसमें कुछ क्राइटेरियाज है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसी को ही राशन कार्ड प्रोवाइड होता है, ठीक है? तो सबसे पहला आता है येलो राशन कार्ड, जिसको बिलो पावर BPL कहते हैं। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है? ये मिलता किसको है? द फैमिली हु हैविंग एनुअल इनकम अप टू 15,000 इन अर्बन एरिया एंड उनके फैमिली में कोई भी डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, चार्टर अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। नन ऑफ द मेंबर इन द फैमिली शुड बी टैक्स पेयर, प्रोफेशनल टैक्स पेयर, सेल्स टैक्स पेयर और इनकम, ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो टैक्स पेयर हो। देन फैमिली शुड पोसेस रेजिडेंशियल टेलीफोन, देन फैमिली शुड नॉट पोसेस फोर व्हीलर व्हीकल एंड एज वेल एज जो नेक्स्ट कंडीशन है गवर्नमेंट की, ऑल द पर्सन इन द फैमिली शुड नॉट होल्ड 2 hectare रेंट फेड एंड 1 hectare सेमी इरीगेटेड 1/2 hectare इरीगेटेड लैंड। देन नेक्स्ट इनकी कंडीशन है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन टू इशू BPL राशन कार्ड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस टू द BD वर्कर्स। कौन कौन से वर्कर्स को मिलता है? ऑल द प्राधी कोल्हाती कम्युनिटी वाइड GR 19-2008। देन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन टू इशू BPL कार्ड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस टू अमेंडमेंट वुमेन वाइड GR एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन डिसीजन टू BPL कार्ड टू एक्स मेल वर्कर्स विद प्रोविजन दैट दे विल गेट बेनिफिट ऑफ फूड ग्रेन्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन टू रेगुलर BPL फैमिलीज। ओके, तो बेसिकली अगर मैं डिविजन ले लूँ तो BPL क्या और बिलो पॉवर्टी लाइन, ये जो भी क्राइटेरिया आपके सामने दी गई है, अगर वो पर्सन फुलफिल कर पाता है तो गवर्नमेंट उसको येलो राशन कार्ड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है सेफरन राशन कार्ड, जिसको हम अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो फैमिली की इनकम 15,000 से 1 lakh होनी चाहिए एंड नन ऑफ फैमिली मेम्बर शुड हैव 4-wheeler मैकेनिकल व्हीकल और फैमिली के पास 4 hectare और इरीगेटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है वाइट राशन कार्ड, जिसको हम जानते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके रिच आइडेंटिफिकेशन के लिए वाइट राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? इनकी कंडीशन गवर्नमेंट क्या बताती है? अ फैमिली हैविंग एनुअल इनकम ऑफ 1 lakh एंड अबाव एंड एनी मेंबर ऑफ फैमिली पोजिंग फोर व्हीलर और फैमिली एग्रीगेटेड होल्डिंग मोर देन 4 acre, इतना इनके पास अगर प्रॉपर्टी होती है तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं वाइट राशन कार्ड। नेक्स्ट आता है अन्न योजना, ये जो बिलो पॉवर्टी से लाइन से भी कम होते हैं गरीब लोग, उनको गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। एंड टू पुअरेस्ट ऑफ द फैमिली हाउस होल्ड फ्रॉम द BPL आर प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स, जैसे कि यहाँ पे गेहूं जो है 2 rupees पर केजी प्रोवाइड करती है और राइस 3 rupees पर केजी प्रोवाइड करती है अंडर द स्कीम ऑफ 1 May 2001। अंडर दिस स्कीम अ टारगेट ऑफ 9,316 बेनिफिशियरी वॉज गिवन टू मुंबई राशनिंग एरिया एंड अकॉर्डिंग टू राशन कार्ड हैव बीन इशूड टू बेनिफिशियरी। कौन किस किस लोगों को बेनिफिट मिलता है? स्पेशली ओल्डेज पीपल, लेबरर्स, वर्कर्स एंड जिनकी इनकम ईयरली 250 से कम हो या 250 हो, उनको अन्न योजना का बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।